ऑलरेट दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू द एवरीवन और आज जैसे कि पता है कि राउंड टू के ऊपर भरमार आ रही वीडियोस की क्योंकि राउंड टू आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और मुझे भी पता है कि राउंड टू का इंपॉर्टेंस एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और जिसको जो कॉलेज में जाना था उसमें नहीं मिला और उसके नीचे के लेवल में कॉलेज जो स्टूडेंट्स बैठा है उसके लिए राउंड टू का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है तो इसीलिए एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेशन एजुकेशन के वीडियो एक लेक लेके आया हूँ कि जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर राउंड नंबर टू यानी कि राउंड नंबर टू

फिर आप यहां पे राउंड वन की वीजीसी के कॉलेज कोई भी हालत में वापस नहीं पा, आ, ला पाओगे क्योंकि यहां पे एसीपीसी में पूरा जो बैक में सर्वर रहता है उसमें डेटा अपडेट रहता है डेटा अपने आप ही अपडेट हो जाता है जैसे ही आपका राउंड नंबर टू का रिजल्ट अपलोड होता है उसी टाइम उसी के साथ-साथ यानी कि एसीपीसी ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि आफ्टर राउंड नंबर 1 इफ यू आर एंटरिंग इन राउंड नंबर 2 एंड

से गांधीनगर भी डाला था तो फिर अगर आपको यहाँ पे जीसी गांधीनगर में एडमिशन मिल गया तो फिर ये वीजीसी की आईटी की सीट आपके हाथ से चली जाएगी वो आप यहाँ पे वापस नहीं कर पाओगे तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन रहेगा अगर हम पॉइंट नंबर टू के ऊपर डिस्कशन करें तो पॉइंट नंबर टू क्या रहता है पॉइंट नंबर टू ये कहता है कि यहाँ पे आपके पास दो तरह के चांसेस होते हैं पहला होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको एक के बाद एक कॉलेज समझा था ठीक है टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर इसी तरह से यहाँ पे मैं सिंपली जस्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो ठीक है थ्री फोर एंड फाइव और सिक्स ठीक है अब यहाँ पे मैंने छह कॉलेज लिखी है ठीक है इसमें से मैं आपको यहाँ पे मिला है इस वाली कॉलेज में यानी कि ये आपने आपने पे पे टोटल छह चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज डाली थी कितनी यहाँ पे आपने डाली थी छह कॉलेज यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए अब यहाँ पे राउंड नंबर टू के बाद आप अपनी कॉलेज का लेवल अप कर सकते हो और अगर आपने गलती कर दी तो आप कॉलेज का लेवल डाउन भी कर सकते हो ये किस तरह से ये मैं आपको समझाता हूँ देखिये पिछले साल ही मेरे साथ एक स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था कि उसमें क्या हुआ पता है उसने राउंड वन की चॉइस फिलिंग जैसी थी वैसे ही राउंड टू की चॉइस फिलिंग एज इट इज जाने दी कुछ भी एडिट नहीं किया उसको ऐसा लगा कि राउंड टू में ऊपर ही जाते नीचे आते ही नहीं है तो उसमें हुआ क्या पता है उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उसको इसमें जाना था मतलब इसके ऊपर की लोवल की कॉलेज में यानी कि ये थी वीजीसी और उसको जाना था एल के अंदर और उसके नीचे उसने रखा था जीएससी गांधीनगर कॉम्प्यूटर टी तो अनफॉर्चुनेटली उसको एल में तो नहीं मिला बट उसका एडमिशन ट्रांसफर हो गया वीजीसी में से जीएससी गांधीनगर नगर टी में तो यहाँ पे उसने अपनी कॉलेज का लेवल लेवल एक डाउनवर्ड कर दिया उसको जाना था अब बट उसने यहां पे नीचे चला गया तो राउंड नंबर टू में सबसे माइनस पॉइंट यही रहता है कि अगर आप चॉइस फिलिंग में ये सारी कॉलेज भी रखते हो तो फिर आप नीचे भी जा सकते हो तो इसीलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी दोस्तों कि आप ये चॉइस रिमूव कर देना अगर आप चॉइस फिलिंग में ये सारी चॉइस रखोगे ही नहीं तो फिर यहाँ पे ये सारी चॉइस से मतलब आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप चॉइस फिलिंग के अंदर सिर्फ ऊपर की वन टू और थ्री रखोगे तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी नीचे की डाउन कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं ना ही तो आपका एडमिशन नीचे चला जाएगा और ना ही तो आपको यहाँ पे कुछ भी नुकसान होने के चांसेस तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पॉइंट नंबर थ्री में आपको टाइमिंग और इसके मतलब टाइमिंग आसपास बताना चाहता हूँ पॉइंट नंबर थ्री है आपके लिए कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहेगा टाइमिंग रहेगा 20 से लेके 25 सितंबर तक, बट यहाँ पे आप रिजल्ट का अर्ली एक्सपेक्टेशन कर सकते हो यानी कि देखिए एसीबीसी के राउंड पहले सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स का यानी कि ऑलमोस्ट फिफ्टीन तो स्टूडेंट्स ही आ जाता है तो जनरली मैंने पिछले दो साल से देखा है कि राउंड नंबर टू की जो भी डेट रहती है ना उसी डेट से पहले यहाँ पे राउंड नंबर टू का रिजल्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है यानी कि मान लीजिए

चाहूंगा कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे और नो वाले ऑप्शन के ऊपर हो, तो कि कि जो कमेंट सेक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कि नहीं देखिए दोस्तों कि जिसमें कुछ बोलने को कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसका रीजन ये है कि मेरे पास कोई भी स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल नहीं है कि जिसकी मदद से वेबसाइट के अंदर लॉग कर पाऊं और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अपने आईडी पासवर्ड

लास्ट बट नोट द लिस्ट यहाँ पे मैंने इससे पहले ही आपको बोल दिया है कि राउंड टू के में कभी भी आपको टाइमिंग मैटर नहीं करता है आप ट्वेंटी को करो या फिर ट्वेंटी फाइव को करो सेम ही रहता है बट रिजल्ट में ऊपर नीचे हो सकता है और उसके बाद आपकी राउंड नंबर फाइव में मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है फटाफट से मैं थर्टी सेकंड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि राउंड नंबर टू के बाद क्या होता है राउंड नंबर टू के बाद आपके पास यहाँ पे ओ दो तरह के चांस रहते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एडमिशन कन्फर्म कर दो कन्फर्म का यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी एफ सी एफ मतलब कन्फर्म ठीक है और उसके बाद

करने जाऊंगा तो वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो ये है टोकन फी का मैटर राउंड नंबर टू के बाद इसके बाद राउंड नंबर चीज नहीं होने वाली है और राउंड थ्री के बाद रिजल्ट कब आएगा चोइस फिलिंग कब करे किस तरह से करनी चाहिए राउंड थ्री में क्या रूल्स होंगे वो कुछ भी एसी ने बोला नहीं है सिर्फ ए ने अपनी वेबसाइट है उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे टाइम टेबल के अंदर दिखा दिया है कि राउंड नंबर थ्री होगा

तो इसके अलावा यहाँ पे एसी ने कुछ भी नहीं बोला है कि वैकेंट सीट है, है उसका रिजल्ट कब आएगा उसमें टोकन फी कैसे फी करे उसमें कौन सी सीट के को अलर्ट कर सकते ये कुछ भी नहीं लिखा है तो ये पांच पॉइंट बहुत ही ध्यान से कंसिडर करना और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्ट द कमेंट सेक्शन थैंक यू बाय बाय